नमस्कार दोस्तों, तारीख थी 16 जनवरी 2003 का जब अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 39A से स्पेस शटल कोलंबिया ने ईस्टर्न टाइम सुबह तकरीबन 10:39 पर उड़ान भरी थी। जिसमें अमेरिका का यह स्पेस शटल उड़ान भरा, उस वक्त इस शटल के अंदर भारत की कल्पना चावला समेत 7 एस्ट्रोनॉट मौजूद है, या फिर यूं कहें कि इसमें सवार थे। पूरे 16 दिनों तक यह स्पेस शटल अंतरिक्ष में रहा और इस दौरान सारे के सारे एस्ट्रोनॉट भी अंतरिक्ष में ही रहे। अंतरिक्ष में रहकर इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए और बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा की। कहा जाता है कि ये सारी जानकारी इतनी महत्वपूर्ण थी कि इससे पूरी की पूरी मानव जाति ही बदल सकती थी। हालांकि इसमें से बहुत सारी जानकारी पहले ही पृथ्वी पर भेज चुके थे और शेष जो इन्होंने जानकारियां इकट्ठा की थी उन्हें वापस लेकर इन सारे एस्ट्रोनॉट को 1 फरवरी 2003 को स्पेस शटल के साथ पृथ्वी पर वापस लौटना था। धीरे धीरे समय बीतता है और दिन आता है 1 फरवरी 2003 का। यह वही दिन होता है जब इन सारे एस्ट्रोनॉट को स्पेस शटल समेत अपने अंतरिक्ष से पृथ्वी पर के वापस एक बार फिर से अपने सफर पर रवाना होना था। फाइनली अमेरिका का यह स्पेस शटल और ये सारे के सारे एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष से अपनी पृथ्वी के इस सफर पर रवाना तो होते हैं, लेकिन वह कभी भी पृथ्वी पर वापस लौट कर नहीं आते। दरअसल अंतरिक्ष से पृथ्वी पर के सफर के लिए निकला यह स्पेस शटल जैसे ही पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है वह जलकर राख हो जाता है, और इस स्पेस शटल के साथ साथ इसमें मौजूद 7 एस्ट्रोनॉट भी मारे जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। न सिर्फ अमेरिका बल्कि इस हादसे से पूरी की पूरी दुनिया ही सदमे में थी। इस हादसे ने न सिर्फ हमारे 7 बेहतरीन एस्ट्रोनॉट और वैज्ञानिक हमसे छीन लिए थे, बल्कि वो सारी जानकारियां भी नष्ट हो चुकी थी जिसे अपने 16 दिन की अपने इस अंतरिक्ष मिशन के दौरान इन वैज्ञानिकों ने इकट्ठा किए थे। लेकिन उसके बाद क्या, बाद में जब इस स्पेस शटल एक्सीडेंट के पीछे के कारण की जानने के लिए रिसर्च होता है तो काफी खोजबीन करने के बाद और इस पर हर तरह की जानकारी जुटाने के बाद पता चलता है कि इस बड़े हादसे के पीछे सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कारण एक फोम का टुकड़ा था। दरअसल स्पेस शटल के शुरुआती यात्रा मतलब कि पृथ्वी से अंतरिक्ष की तरफ जाते वक्त स्पेस शटल के लॉन्च होने के महज 82 सेकंड के बाद एक फोम का टुकड़ा इसके एक्सटर्नल टैंक से निकलकर शटल के लेफ्ट विंग से टकरा गया था, जिससे शटल के लेफ्ट विंग में एक छोटा सा होल बन गया था। और यही कारण रहा कि अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर आते वक्त जैसा ही स्पेस शटल पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है वह जलकर खाक हो गया, और उस दिन भी यही हुआ था। लेकिन उसके बाद क्या, दरअसल नासा की यह स्पेस शटल टेक्नोलॉजी दुनिया की पहली रीयूजेबल स्पेस क्राफ्ट टेक्नोलॉजी है, या इतिहास में पहला अंतरिक्षयान भी है जो बड़े सैटेलाइट को ऑर्बिट में और ऑर्बिट से बाहर ले जा सकता था। दरअसल नासा के पास ऐसे 6 स्पेस शटल थे जिनमें से अन्य 5 चैलेंजर, कोलंबिया, अटलांटिस, डिस्कवरी, एडेवर और एंटरप्राइज था। चैलेंजर और कोलंबिया हादसे का शिकार हो चुके थे और बाकी अन्य 4 स्पेस क्राफ्ट जो है ना वो म्यूजियम में रखी हुई है। इसके अलावा एक तथ्य यह भी है कि एंटरप्राइज ने कभी भी उड़ान तक नहीं भरी। नासा का पहला स्पेस शटल मिशन 1981 में लॉन्च किया गया था, जबकि आखिरी मिशन इसका 2011 में। अपनी इस तकनीक में नाकामयाबी या फिर यूं कहें कि असफलता को मिलता देख अमेरिका इनके जो हादसे हैं उनसे सबक लेकर उन्होंने कभी भी इसका इस्तेमाल दोबारा नहीं किया, बल्कि इसके बाद नासा स्पेस स्टेशन तक जो अपने एस्ट्रोनॉट हैं उन्हें भेजने के लिए ना रूस के सोयूज स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल करने लगा। और अगर इस वक्त की बात करें तो अमेरिका इस वक्त अपनी ही स्पेस जो प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जिसका नाम स्पेसएक्स है और जिसके मालिक एलन मस्क हैं, उसके स्पेसक्राफ्ट से एस्ट्रोनॉट को अपने स्पेस स्टेशन तक पहुंचाने और वापस लाने का काम करता है। लेकिन हम ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं, हम ये सारी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रविवार को तकरीबन 2 अप्रैल 2023 को इसरो ने अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल की सक्सेसफुली लैंडिंग कराई। यह लैंडिंग पूरी तरह से ऑटोनोमस थी, मतलब कि इसके लिए किसी भी ह्यूमन ब्रेन का इस्तेमाल नहीं किया गया था। यह पूरी दुनिया में पहली बार हुआ जब एक विंग वाली बॉडी को ना हेलीकॉप्टर से तकरीबन 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया और उसके बाद उसे रनवे पर ऑटोनोमस लैंडिंग के लिए छोड़ा गया। बाकायदा इस दौरान इस काम के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद इसरो के इस रियूजेबल लॉन्च व्हीकल ने सक्सेसफुली रनवे पर लैंडिंग की। इसकी चर्चा पूरी दुनिया भर में हुई क्योंकि यह मानव के भविष्य को लेकर के ना किसी भी अंतरिक्ष मिशन के लिए बड़ी कामयाबी है। ऐसे में अगर इस विशेषताओं की बात करें तो यह दिखने में किसी हवाई वाहन की तरह ही लगता है, जिसमें कि एक फ्यूलेज, एक नोज कैप, डबल डेल्टा विंग्स और ट्विन वर्टिकल टेल्स हैं। इसकी सफलता और डिजाइन को देखते हुए इसके इस्तेमाल भविष्य में हाइपरसोनिक फ्लाइट, ऑटोनोमस लैंडिंग, रिटर्न फ्लाइट एक्सपेरिमेंट, पावर्ड क्रूज फ्लाइट और स्क्रैमजेट प्रोपल्शन एक्सपेरिमेंट जैसे कई उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। सबसे